गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको पहले वाले वीडियोज में पढ़ा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम जो भी वीडियो बनाते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियोस को आप बार बार देखें, लाइक और शेयर करें, ठीक है। और यदि कोई भी सुझाव आपको देने हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का इतिहास। महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम था। तो प्रतिहार शासक भोज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम की माता का नाम चंद्र पठारिका देवी था। कई लेखों में महेंद्रपाल प्रथम को परम पठारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। महेंद्रपाल प्रथम का समकालीन पाल शासक नारायणपाल था, जो निर्बल शासक था, ठीक है। तो महेंद्रपाल प्रथम का समकालीन पाल शासक कौन था? नारायणपाल था। महेंद्रपाल प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मगध तथा उत्तरी बंगाल की विजय थी। महेंद्रपाल प्रथम विद्वानों का उदार संरक्षक था। तो महेंद्रपाल प्रथम विद्वानों का संरक्षक था। और अब आता है महेंद्रपाल प्रथम का साम्राज्य कैसा था। तो साम्राज्य निर्माता के रूप में महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम कुशल प्रशासक एवं विद्या और साहित्य का महान संरक्षक भी था। उसके दरबार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति राजशेखर था, जिसकी रचनाएं हैं कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्वस, साल भंजिका, भुवन कोश और हरविलास, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। अब आता है आपका गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल। महेंद्रपाल के मृत्यु के बाद प्रतिहार वंश के उत्तराधिकारी का प्रश्न विवादग्रस्त है। महेंद्रपाल के दो पत्नियां थी, जिनसे दो पुत्र भोज द्वितीय तथा महिपाल हुए। महेंद्रपाल के बाद कुछ समय के लिए भोज द्वितीय ने शासन किया, किंतु दो वर्षों बाद ही उसका सौतेला भाई महिपाल गद्दी पर अधिकार करने के लिए संघर्ष करने लग गया। महिपाल को चंदेल वंश के शासक हर्षदेव ने सहायता दी तथा भोज द्वितीय को पराजित कर महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश की राजगद्दी पर बैठ गया था। एक बार फिर राष्ट्रकूट शासक इंद्र द्वितीय के अधीन राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों पर प्रहार किया तथा कन्नौज नगर को नष्ट कर दिया, लेकिन इंद्र द्वितीय के दक्षिण वापस लौट जाने के बाद महिपाल को अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिला। पाल वंश के शासक गोपाल द्वितीय तथा राज्यपाल दोनों ही महिपाल के समकालीन थे। अरब यात्री अल मसूदी, जो 915-16 ईस्वी में भारत आया था, ने कन्नौज के राजा की शक्ति तथा उसके संसाधनों का उल्लेख किया है, जिसका राज्य पश्चिम में सिंध तक तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट सीमा तक था। अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों के संघर्ष की पुष्टि की है तथा प्रतिहारों की महत्वपूर्ण सेना का उल्लेख भी किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिपाल के सफलताओं के बावजूद राष्ट्रकूटों के आक्रमण से प्रतिहारों को जो आघात पहुंचा, उससे वे संभल नहीं सके। महिपाल के समय में ही प्रतिहार साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया था। चंदेल, परमार तथा चेदी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ऐसे संकेत मिलते हैं कि उसके शासन के अंत में कालिंजर तथा चित्रकूट के दुर्गों पर से महिपाल का अधिकार जाता रहा। संभव है कि उसकी मृत्यु 945 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। तो देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार कालीन जो शासक है उनके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।